हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं, जो कि है चिकन मलाई बोटी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ घर में तैयार हो जाती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई बोटी की रेसिपी आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर आपने देखना है और साथ ही साथ आपने इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। जो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए, यहाँ पर हमने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। बोनलेस चिकन है 250 ग्राम। इसमें हम क्रीम डालेंगे, आधा कप के करीब क्रीम है, किसी भी ब्रांड की क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दही है, हाफ कप के करीब दही इसमें डाल देंगे। साथ ही कुछ मसाले यहाँ पर रखे हुए हैं, उसी के साथ हम हरी मिर्चें डालेंगे। ये बारीक चॉप की हुई हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। साथ ही ये लहसुन और अदरक है कुटा हुआ, इसमें 1 टेबल स्पून ये डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, ये 1/2 टेबल स्पून के करीब है। मिर्ची आप ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर है, ये दोनों 1/2 टेबल स्पून है। तो इन दोनों को भी इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें नमक डाल देंगे हसबे जायका, जितना आप डालना चाहें। साथ ही इसमें डाल देंगे विनीगर, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इस चिकन पे जो है कोट कर देंगे, मिक्स कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसको अब हम मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद देखते हैं कि कैसा लगता है। तो 2 घंटे हो गए हैं, हमारे चिकन कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब हमने इसको स्टिक्स पे लगाना है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छे तरीके से चिकन पर लग जाए। इसको अच्छे से हिलाने के बाद अब हमने ये स्टिक्स ली हैं, इसको हम चिकन को इसके ऊपर लगाते जाएंगे। जितने आप चिकन इस पे लगाना चाहते हैं उतने आप लगा सकते हैं, लाजमी नहीं है जितनी हम लगा रहे हैं उतनी आप लगाएं। तो जितनी आप लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से जो है सारे स्टिक्स जो है वो इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारी चिकन जो है वो हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल इसमें डाला है। और इसको अच्छे से फैला देंगे पैन पे और इसको गर्म होने देंगे। तो जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसके ऊपर हम ये स्टिक्स रख देंगे। पहले हम इसको एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे लो फ्लेम पे और फिर इसको पलट कर अच्छे तरीके से चिकन के कुक होने तक पका लेंगे। साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनको भी जो है ज़बरदस्ती रेसिपीज बनाने का मौका मिले, वो हमारी वीडियोस से कुछ सीखें। तो शेयर ज़रूर किया करें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। तो अब हम इस चिकन स्टिक्स को जो है ढककर तकरीबन जब तक एक साइड जो है अच्छे से कुक नहीं हो जाती तब तक रख देंगे। और ये देखिए, एक साइड जो है ज़बरदस्त से तरीके से कुक हो गई है, लाइट ब्राउन हो गई है, अच्छे से चिकन एक साइड से कुक हो गई है। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से पलट देना है और पलटने के बाद भी इसको दोबारा से हम ढक देंगे जब तक दोनों साइड्स अच्छे से कुक नहीं हो जाती। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी स्टिक्स जो है वो हमारी तैयार हो गई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इस पे कलर आ गया है, आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सी हमारी स्टिक्स बनकर तैयार हुई हैं। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। किसी भी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, आप इसको पराठों के साथ ज़बरदस्त से नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। और इस पे हमने लेमन छिड़क दिया है थोड़ा सा। तो हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार मलाई बोटी जो है वो हमारी बनकर तैयार हुई है। इसका आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर बना है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है।
तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं उसको आप ज़रूर भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। और इसकी मैरिनेशन में ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा ज़बरदस्त आ सकता है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बहुत सारे ख्याल।